अरे नहीं, फ्यू, बाल बाल बचे। थैंक यू डॉक्टर। ओ नहीं लिटिल किटी, मुझे थैंक्स मत बोलो, बल्कि मेरे दिमाग को बोलो। ओ हेलो दोस्तों, हाँ आपने सही सुना, हम अपनी लाइफ में अक्सर कुछ बहुत ही कमाल की चीजें कर पाते हैं। इसका कारण है हमारी बॉडी का जरूरी हिस्सा जो है हमारा ब्रेन। तो आज जानते हैं उस जरूरी चीज के बारे में जो हमारी मदद करता है हर जरूरी चीज जानने में। आइए चलते हैं दिमाग की कमाल की दुनिया में। तो दिमाग लगाते हैं ज़ूम इन। आपका ब्रेन आपकी बॉडी का मालिक होता है, क्योंकि ये हर चीज कंट्रोल करता है। चीजें जैसे कि सीखना, सोचना, महसूस करना, नाचना, सांस लेना और आपकी हार्ट रेट भी। आपके दिमाग की ही वजह से आप अपने दोस्तों से हंसी मजाक कर पाते हैं। और आप मानेंगे नहीं कि यहाँ तक सुपर कंप्यूटर्स में भी इतनी ताकत नहीं है कि जितनी जल्दी हमारा ब्रेन हर एक इंफॉर्मेशन को जमा करके उसे समझता है और फिर उसके बाद रिएक्ट भी कर सकता है। तो आखिर कैसे हमारा ब्रेन इतना सब कुछ कर लेता है? ब्रेन के अलग अलग हिस्से अलग अलग चीजों को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे बड़े हिस्से से शुरू करते हैं, जिसे कहते हैं सेरिब्रम, जो हमारे ब्रेन का 85% हिस्सा होता है। ब्रेन के इसी हिस्से में सोचने का काम होता है और ये मसल्स को भी कंट्रोल करते हैं। सेरिब्रम की वजह से ही आप चलते हैं, नाचते हैं, गेम्स खेलते हैं और सबसे जरूरी चीज द डॉक्टर बाइनॉक्स शो में बढ़िया बातें सीखते हैं। है ना कमाल की बात प्यारे दोस्तों? और फिर आता है एक छोटा सा हिस्सा, पर काफी जरूरी हिस्सा, जिसे कहते हैं सेरिबेलम, जो मदद करता है बैलेंस बनाए रखने में, साथ ही मदद करता है हिलने डुलने में। मतलब ये कि सेरिबेलम के बिना आप गिरते रहेंगे, कभी यहां कभी वहां। अब बात करते हैं बहुत छोटे पर बहुत ही ताकतवर हिस्से के बारे में, जो है ब्रेन स्टेम। ये हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है। ये आपके शरीर के उन हिस्सों को कंट्रोल करता है जिन्हें आप नहीं कर पाते हो, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, खाने को अच्छी तरह से पचाना एटसेट्रा, और ये सब हमें पता भी नहीं चलता। फिर आता है हमारे दिमाग का ये बादाम के शेप वाला हिस्सा, जो है एमिग्डाला। ये जिम्मेदार है इमोशंस के लिए, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के लिए और चीजों की यादें जुटाने के लिए। वाओ, छोटा सा हिस्सा और इतनी बड़ी जिम्मेदारियां। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि आपका ब्रेन 12 से 25 वॉट की बिजली पैदा करने में सक्षम होता है, जो कि एक कम वोल्टेज वाली एलईडी लाइट को जलाने के लिए काफी है। साथ ही साइंटिस्ट ने यह पता लगाया है कि एक टाइम तक एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी एक तरह का केमिकल पैदा करती है, जिससे आपको चीजें सीखने का मन करता है। तो अगर आप कभी अपने होमवर्क में फंस जाएं, तो बाहर जाकर दौड़ें, खेलें या एक्सरसाइज करें थोड़ी देर, फिर वापस आकर अपना होमवर्क करें। आप पाएंगे कि अब आप कुछ भी सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। मिलते हैं अगली बार। मैं हूं डॉक्टर बाइनॉक्स, ज़ूमिंग आउट।